अकोला की आठवीं क्लास की लड़कियों ने प्रिंसिपल को बिना बताए सीधे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर दिया और कहा कि टीचर उनका यौन उत्पीड़न कर उन्हें बैड टच करा है। इसके बाद महिला बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया और लड़कियों को विश्वास में लिया। बाद में मंगलवार की रात इस मामले में पुलिस ने शिक्षक प्रमोद सरदार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। काजीखेड़ के जिला परिषद की शाला में आठवीं कक्षा की छात्राओं को अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर उनसे अश्लील वार्तालाप करने वाले शिक्षक के बारे में शाला में किसी को पता नहीं था। साथ ही पीड़ित लड़कियों में भी इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वे किसी को कुछ बता सके, इसलिए उन्होंने मोबाइल फोन पर सीधे किसी से शिकायत करी, इसलिए नंबर सर्च किया। तब उन्हें जानकारी मिली कि वे बच्चों और महिलाओं पर हुए अत्याचार की शिकायत 1098 पर दर्ज करा सकते हैं। ये जानने के बाद उन्होंने इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज की। काजीखेड़ की जिला परिषद की शाला में कार्यरत शिक्षक प्रमोद मनोहर सरदार कक्षा में छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाते हुए उनसे अभद्र वार्तालाप करता था। उसने शाला की 6 छात्राओं से छेड़छाड़ भी की थी। यह शिक्षक पिछले 4 महीने से कक्षा 8वीं की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखा रहा था। इस घटना से पूरे जिले में गुस्से की लहर दौड़ गई है। पीड़ित छात्राओं ने यह घटना अपने परिजनों को बताने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए परिजनों ने सीधे उरल पुलिस थाने में जाकर शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। शाम को पीड़ित लड़कियों के बयान पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच महिला पुलिस अधिकारी गीता दामोदर कर रही है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने दी। दिनांक 20/8/2024 रोधी थानेदार पुलिस स्टेशन कोरल याना बाल कल्याण समिति सदस्य सौ प्रांजलि मनोज जसवाल यानी 2:30 वाजता सुमारे 15 माहिती दिली की जिल्हा परिषद उच्च माध्यमिक शाळा काजीखेड येथे शिक्षक प्रमोद मनोहर सरदार यांनी 6 मुलीचं विनंगन केलेलं आहे। अशी माहितीवरून पोस्ट ओरल याची टीम घटनास्थळी जाऊन तत्काल शिक्षक याला ताब्यात घेतले। तसेच सायंकाळी पीडित फिर्यादीची जवानी रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 292/24 कलम 74 व 75 बीएनएस सह कलम 8 व 12 ऑप्सो याचे प्रमाणे गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आलेला आहे। पुढची तपास महिला पोलीस सब इन्स्पेक्टर गीता धामदर करत आहेत। बदलापुर के बाद अब अकोला जिले के बारापुर तालुका के काजीखेड़ में जिला परिषद शाला की छात्राओं से छेड़छाड़ और विनय भंग का मामला सामने आया है, जिसके कारण पूरे जिले में एक ही खलबली मच गई है। इस मामले में दोषी आरोपी शिक्षक पर तुरंत बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी शिक्षक प्रमोद सरदार के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शिक्षक प्रमोद सरदार सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि जिला परिषद शाला के मुख्याध्यापक व केंद्र प्रमुख को कर्तव्य में कसूर बरतने के लिए तुरंत निलंबित किया गया है। ऐसी जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी ने दी। हाँ, यह संबंधित प्रकरण खूब गंभीर होता आणि ते संबंधित जे आरोपी आहेत त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाला काल आणि त्यांची अटक पण झालेला आहे। आणि जे संबंधित शाळामध्ये ते शिक्षक होतं त्यांना बडतर्फ करण्यात येत आहे। ऑलरेडी बडतर्फ आपण केलेले आहे आणि त्यांच्या मुख्याध्यापकला आपण सस्पेंड केलेलं आहे। तिथे केंद्र प्रमुख पण सस्पेंड झालेला आहे। या प्रकरणात खूप गंभीर होतं आणि याच्यामध्ये 1098 माध्यमातून आपण स्टिकर लावलेले होते शाळेमध्ये, त्याच्यामुळे ते शिक्षकला माहीत पडलं आणि ते मुलं समोर आले आणि जे लोक तिथे गेले होते त्यांना थोडा कम्फर्टेबल करून त्याच्यानंतर त्यांच्याकडनं माहिती ते संबंधित लोकांनी घेतला, त्याच्यानंतर ते हे जे प्रकार आहे समोर आला। आता ते काल तिथे गेले होते क्योंकि आता काय झालं होतं की तिथे जाऊन ते मुली बोलतच नव्हते, काल पण कोणीच बोललेले नव्हते आणि त्यांना कम्फर्टेबल करून गोपनीय पद्धतीने आपण ते संबंधित जे कमिटी आहे तिथे गेले आणि गोपनीय पद्धतीने कोणी कोणालाही सांगितले नाही ते स्कूलच्या मॅनेजमेंटला पण। आणि तिथे जाऊन ते मुलांसोबत बसून ते खिचडी खातेवेळी त्यांनी विचारलं आणि स्लोली स्लोली हे जे प्रकरण होता दे फेल्ट कम्फर्टेबल, त्याच्यानंतर हे डिस्कशन झालेलं आहे। याच्यामध्ये 6 मुली जे होते त्याच्यावर आता झालेला म्हणून आमच्याकडे तक्रार प्राप्त झालेला आहे आणि आम्ही हे तपासणी सुरू केलेले आहे। हे जे पर्टिक्युलर शिक्षक आहे आता 5 वर्षापासून इकडे आहे आणि यापूर्वी ते कुठे होते याचे पण मी कारवाई सुरू केलेले आहे की पूर्वी कुठे होते, अशा प्रकारच्या घटना झाले का पूर्वी ते पण आपण सुरू केले की थोडा तपासणी करून त्यांच्या पण इन्फॉर्मेशन आपण काढू।
एनबीसी न्यूज के लिए अकोला से प्रतिनिधि की रिपोर्ट।